हाँ तो प्यारे श्रोताओं, हमारा प्रोग्राम ये तीसरा भाग राहुल कैसेट हाउस दिवाई जिला बुलंदशहर के सौजन्य से पेश होने जा रहा है, जिसका नाम है चंदागढ़ उर्फ मोतनी हरण यानी मनसुख का विवाह। तो लो सुनिए, मुझसे कहते हैं झिलमिला जोगी, और ये मोतनी ये कश्मीरा राजा कासिम की लड़की है और ये कुआरी लड़के इसकी गोद में और पड़ी हुई है, मगर ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मुझे जोगी बन करके भिक्षा मांगनी चाहिए, भिक्षा मांगूंगा तब इसको देखूंगा ये कहां जाएगी। ए बहन, कहिए बहन, देखिए मुझे और जोगी और बाज बन के और मेरा पीछा कर रहा है, मेरी जान तुम जैसे जानो तैसे बकस दो। बहन हम एक बात पूछे, तुम हमको बतलाओगी? क्यों नहीं बतलाएंगी? सुनो, बतलाओ। अरे कौन नहीं, अरे अरे दिसन की मेरी बहन रहे बे बारी। मेरी तुम जान बचाओ, और नहीं अभी जोगी और जो भेष बदल के आ रहा है और मुझको खा जाएगा, मेरी जान बचाओ पहले। ठीक है बहन, आने दो जोगी को। तो मुझे जगह बतलाओ तो हसी में क्या पर छुपूं? बहन ये जोगी मांगेगा तो मैं फेंक दूंगी दीवार में। क्या फेंक दोगी? ये जंजीर जो है माला मेरी। ठीक है तो मैं तुम्हारी माला में छुपी जाती हूँ। और क्या, छुप जाओ बहन। बहुत अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए और भिक्षा मांगनी चाहिए। नारायण 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 हरे बम 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 लहरे। मैंने कहा बाबा जय शंकर की, जय शंकर की बच्चा, जय शंकर की। नारायण नारायण बच्चा बच्चा मैं कुछ दो बाबा, कोई सेवा मेरे लायक बताइए, क्या कर सकता हूँ आपकी? बाबा बाबा की सेवा और क्या कर सकते, आप सब कुछ कर सकते, आप इंसान है, हम बाबा है। नारायण नारायण हमको भिक्षा दो। भिक्षा बाबा? और क्या, भिक्षा मिल जाएगी आपके लिए? मिल जाएगी, मैं मनचाही भिक्षा मिल जाएगी? मिल जाएगी। दरवाजा दो मेरे लिए कि भिक्षा मिल जाएगी। मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। तो आपकी बेटी के गले में जो मोतियों की माला पड़ी हुई है भिक्षा में, उसे दिलवा दो। अरे बाबा आपने क्या मांगा? बहुत है, यही बहुत है बच्चा, बस नारा ना क्या पंदू? तुमने चीज मांगी, कोई और ऐसा मांगते तो जिंदगी भर मैं भी दान के लिए याद करता। कहां बस नारायण, हम तो इसी में खुश हैं, बस दिलवा दो। अच्छी बात है, तो बाबा मैं आपके लिए हर कोई दिलवाऊंगा। दिलवा दीजिए भैया, अभी जाता हूँ बेटी के महलों को। पिताजी नमस्ते। पिताजी चिरंजीव रहो बेटी। बेटी जो आपका हार है उसे मुझे दे दो। नहीं पिताजी, मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। क्यों? नहीं नहीं बेटी, मेरी बात खराब हो जाएगी। मैं महात्मा आया एक, मैं त्रिवाचा में हार चुका हूँ, उसका दान दे दूंगा मैं। ठीक है, तुम महात्मा को मेरे पास भेज दो, महात्मा को मैं दे सकती हूँ, तुमने नहीं दे। कोई बात नहीं है, देना तो है, चाहे तू दे दे चाहे मैं दे दूं, दे देना तू अपने हाथों से। ठीक है। नारायण नारायण नारायण। कहिए। देखिए हमारी बेटी अपने हाथों से दान करेगी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। बड़ा अच्छा है नारायण, लो हम आए बेटी नारायण। सीताराम बाबा जय शिव। बेटी कहिए बाबा, दान दे हमें। दान क्या चाहिए तुम्हें? दान में वही
राजा से मांगा है मोतियों की माला। नहीं बाबा। क्यों नहीं? मैं नहीं दे सकती हूँ। खाम खाम। नहीं बाबा। अच्छा मैं जाता हूँ नारायण, मैं दीवार पे फेंक के मारती हूँ एक दो और ये है। इसने मोती सारे बिखरा दिए और मुझे अब क्या करना चाहिए? और अभी अभी इसको मैं मुर्गा बन के चुपता हूँ। अरे मुर्गा रे बन की रे बाबा रे पंचो, मोती ने पूरे मुझे चुगा तू है जा रहा है। अरे कल रात की मोती रे बीन है, अरे मोती ने कवजा में आई है ना है। अरे चलते ही चलते को बाबा भैया भूल गए और अपने मेरी जान नहीं बचती। देखो आपने अभी अच्छा किया कि माला फेंक दी, ये मोती खा रहा था, एक मोती बचा, उसमें मैं छुपी थी जैसे वो मुर्गा बना और मैं बिलैया बन के मैंने उसको खा लिया। बहन बहन आपने बहुत अच्छा किया। बहन एक बात बतलाओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैं हाँ बतलाती हूँ। अरे अरे दक्षिण रे दिशा में ये कुनर रुखेरा, अरे दक्षिण दिशा में ये कुनर रुखेरा, आरो मैं खाओ पीरा थम भूप घनेरा, अरे अटल भू Yeah.
ऊपर सोए लपेटा अरे उनके नलो बनवारी कुबेटा अरे तुम तू रही भेना बात रे बताई अरे उन्हीं के लिए मैं तो बहना ब्याई क्या तुम नल के लिए ब्याई हो बहन नल के लिए अरे बहना बने बदल जाए काम अरे बहना बिगड़े बन जाए काम अरे मोतिन तो अरे मोती रे कहते अरे दान मगर रे नलो से यारे भारतार अरे बहना कहता कई रे ना जाए अरे पामन गले अरे पूजत रे सिरोई आपके पति की बहन अरे मैं तो के गई वे बहन तुम्हारे पीछे जोगी कैसे पड़ा बहन बहन जोगी आया था कंपलागढ़ में माता पिता की कैद होगी तुम्हारे सास ससुर की वो हमारे पति ने सर किया था वहाँ उसकी बेटी सरवती उसकी 3.5 भावर और हमारे देवर मनसुख के साथ में डाली गई क्या बहन मनसुख हाँ मनसुख कौन है आपके मेरे देवर है सियानवाने की आपके देवर है बहन मनसुख हाँ, उनके साथ में फूल सिंह पंजाबी जल करके और इस जोगी से और कब्जे में कर दी गई जादू के बल से इससे मैं मुश्किल से तुम्हारे यहाँ पर बची हूँ मैंने बहुत जादू चलाया अरे 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 चोरी के बहना अरे मैं कर रही अरे भी नसी
शादी करा कैसे भी कैसे भी अपने देवर से। अरे शादी करा जाए अपने देवराज से, और तेरा को न भूलूंगी मेरी बहना। बहन मेरी शादी करा दे तू मनसुख से। मनसुख से? हाँ मैं करवा तो सकती हूँ मगर ऐसे नहीं करवा सकती हूँ। कैसे करवाओगी? अपने पिता से मेरी बात करवा दो। ठीक है मैं भी करवाती हूँ। तो मैं करवा सकती हूँ, अभी बुलाती हूँ बहन। बुलाओ पिताजी महलों में। कहिए बेटी। पिताजी मैं जिनके नाम की लोटी धारती हूँ वो उनकी भौजाई हैं ये। अच्छा ये? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, क्या रहा है आपकी, कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं पिताजी नरवर की रहने वाली हूँ। मनसुख मेरे देवर हैं। आपके देवर हैं मनसुख? हाँ, यहाँ मैं मुसीबत में आई हुई हूँ। ये तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई है। फिर क्या करना चाहिए मुझे बताइए। पिताजी मेरी शादी करा दो मनसुख के साथ में, इनके देवर हैं वो। जैसी बेटी तेरी इच्छा वैसा कर, मैं तैयार हूँ। पिताजी आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। ऐसा है पंडित जी को बुलाया जाए और घड़ी मुहूर्त देख करके मुझे बतला दिया जाए, मैं अपने देवर को और अपने पति को लेकर के और यहाँ से भामर डाल ले जाऊंगी। पंडित जी महाराज कहिए क्या बात है। देखिए पत्रा में। पत्रा में कहा देखे भैया, पहले खाए में पीवे ले आओ। क्या चाहिए हमें? सालू बाग बनवा दो। सालू बाग? पंडित जी आलू का सा। हमें और ऐसा करो आज प्याज बनवा देंगे मेरे का ये। अरे प्याज आलू का? अरे मैं प्याज तो खाती जाऊंगा, मेरे को ले आज प्याज खाऊंगो। नहीं आजकल के पंडित खाने के लिए प्याज खाने के लिए मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा और कुछ? राजीना को पोतो बनवा देंगे। अबे पंडित जी तुम तो सटे आ गए बुढ़ापे में। और क्या? राजीना का पोता नहीं पोदीना। बस ऐसा करिए। अब काम क्या है? काम यही है कि ये हमारी लड़की कश्मीर है, इसका मुहूर्त देखो। शादी का शुभ शादी नहीं है। अच्छा लो शुभ दिन तो हम देखना जानते। देखिए एतवाई सोमवारी पड़ेगी। क्या पड़ेगी एतवाई सोमवारी? अरे तुम जानते ही ना। क्या एतवाई सोमवारी पड़े भाई? जना को ब्याह हुआ है। एतवाई सोमवारी कैसे बच जाए पंडित जी? जाको मुहूर्त तो परसों को निकल रहा है, ब्याह नहीं बनती फिर पूजा लग जाएगी। अच्छा हाँ केवल परसों का ही? परसों का ही विवाह है। तो ऐसा करोगे परसों ही का मुहूर्त रहने दो, परसों कर लियो ब्याह। हाँ अच्छा रहेगा। अरे तो त्याई राजी तो परसों को ही कर लियो, दावत होने सूदी हर रहे। ठीक है पिताजी। पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कह रहे हैं परसों का ही मुहूर्त निकल रहा है सुबह। बहुत अच्छा है, तो मैं जाती हूँ और मैं अपने देवर को लिवा करके लाती हूँ। बहन जरा मेरी भी नमस्ते कह रहा हूँ उनसे। बहुत अच्छा है। अरे
दस क्या प्रणाम स्वीकार हो। चंज रहो कहिए मोत्री तूने कई दिन घुमा दे प्राणनाथ। हाँ। मैंने मुश्किल से जान मेरी बच्ची अने आपको भी मिलती भी नहीं। चलो ठीक है। और महाराज मैं कासिमगढ़ में पहुंची थी, उड़ते उड़ते पिछाई मेरी उस जोगी ने बहुत की थी, उसकी बेटी कश्मीरा उसके गोदी में जाकर के गिरी थी, उसने मेरी जान बचाई है और उसने त्रिवाचा दे दिया है कि अपने देवर मनसुख के लिए और मेरा विवाह करके तुमको ले जाना है, क्योंकि वो लोटा धारती हूँ कि मैं मनसुख के नाम की और मैं 3 दिन का वादा करे आई। क्या कॉल करके आई हो? हाँ। तो फिर अब क्या करना चाहिए? मैं बतलाती हूँ। अरे अरे करो अरे प्यारी अरे हीरा अरे नारा बार बार Yeah.
तलवार की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हंसी खुशी से। देखिए हमारा ये नियम है कि हम बगैर लड़े नहीं लाएंगे शादी। नहीं नहीं माँ, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हंसी खुशी से और उसकी शादी होनी है। ऐसा अच्छा? है अपना घोड़ा तैयार करो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और देवर चलेंगे और किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा रोड कोई बात में बच्चा लग जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो सिया नगर के लिए चलो। अच्छा चलो मैं घोड़े को तैयार कर लूं। कर लो। अरे महाराज कम से कम वो तो ले चलो, खाऊ बना ले जा रहे तो बना है तुम्हें। बरात को तो भाई चलना ही चलना है। चलिए तो महाराज फिर क्या बात है। चलो चुपचाप या कैसे टेपल चलियो ब्याह सुनो तो। अरे चलो, अरे जल्दी चलो घोड़ा को लेकर के दावत झंडी है जाई लाई सियागर के लिए। अच्छा सियागर चलो पहले। अरे नलली घोड़ा आगो लाओ रे राजाई घोड़ा मेरे जाने रे लगाई घोड़ा सलन रे सलन सन्ना रे ये तो देखिए मन सिक्के और कचहरी चलते हैं। चलो चलो कचहरी भी चल ले अंदर या खड़े होने से क्या है। मैंने कहा भाई साहब के लिए नमस्कार। नमस्कार। अरे साथ को बरसा में मुझे पपिया की प्यासा अब नलवन सुख दो मिले भाई न पूरन कहिया भाई साहब। अरे मनसुख आप किस लिए परेशान हुए। मेरा कहने का मतलब यह है कि यार मैंने तेरी 3 दिन की शादी रोक ली है। क्या शादी? हाँ। भाई साहब ये कैसी शादी, न कोई सिक्का है न कुछ है, ये कैसी शादी रोक ली आपने। जब मैंने शादी रोक ली है तो उसमें सिक्का पिक्का कोई काम नहीं, मैं 3 दिन का कॉल करके आया हूँ और तेरी शादी करके लाऊंगा। हाँ भाई साहब आपने रोक ली है तो मुझे मंजूर है। ऐसा करो गए मंत्री मोदनी आई या नहीं आई अभी, इसको बल्ला बुला के तैयार करे बराबर। देवर साहब भाभी साहब नमस्ते। नमस्कार कालाला जी, मजे में रहे या नहीं। हाँ भाभी साहब हम तो हमेशा मजे ही में रहते हैं। और तुम्हें तुम्हें कचौरी सल है। भाभी साहब मुझे कुछ सल नहीं है। ए गाल फोरे तुम्हें तो कोई सल ना रहे, हमने क्या शादी रोक ली है। भाभी साहब हाँ देखो ऐसी क्या शादी है, क्यों, क्यों? कोई सिक्का है न कुछ है, वैसे ही शादी रोक ली ऊपर से ऊपर। पर ऐसा है भाभी साहब हाँ। मुझे आपकी और भाई साहब की बात मंजूर है। ठीक है ऐसा है अब मैं तुमको बरना बनाती हूँ और दो चार अपनी बुला लो, नान बुला लो और तुम्हारे मोहल्ले परोस में जिनको बुला लो। ओ नान चाची बुलायो रियो मोहल्ला वालियो दवाई में चारों को बुलायो हाँ। इतने क्या काम होता है, जुर्मिल के मोतनी और मनसुखो बरना किस तरीके से बनवाती है। अरे बरना बना दे मोतनी रे से ज्यादा बरना बना बना दे मोतनी रे से ज्यादा।
वरना बन गए। हाँ। ये मनसुख तैयार हो गए। तैयार हो गए और अब है तो करो तुम फुरावा लियो। क्या? अरे वही फूल चलैया। नहीं नहीं ये मेरा कायदा नहीं है। अरे तुम्हारा कायदा ना तो और खो आवे फिर यहाँ। नहीं ठीक है फूट के चलो नहीं तो। अरे चलो तो। हाँ। महाराज। हाँ। देखो देवर को मैंने वरना बना दिया और तुम चलो और मैं खेत बराती होंगी आकर के। अच्छा ठीक है चलते हैं हम लोग। देखो मैं पहले चलती हूँ सुहा पर खबर करूंगी। हाँ आप जाओ कह दे जाकर के बरात आ रही है। अरे अरे चले चले अरे मोतनी सदारा अरे कासिम बाय।
चला रे हाहाकार। अरे बहुत कमाल रे बनाए दावत में, उनके रहा तुम्हें नाम बचाए। और पूरी भैया देखो नहीं रे बनाए, और कई सबरी ले बनाई राजा ने, और नलकू दारे आगे बिठाए। और भैया सुन ले ध्यान लगाए, अरे होएगी सगाई रे बाबूदर की, भाई जी तो हल्ला गुल्ला जा रहे खत्ते आ रही है बरात, आदमी दुहैया आ जावे। राजमंत्री महाराज बरात आ गई, इसका प्रबंध किया जाए। प्रबंध पूरा पूरा जो है आदमी अच्छे आया खवा दो। अरे जाके नहीं है होटल पे बैठा देंगे, तो बैठा देंगे सिर्फ होटल पे, नहीं होटल पोटल पे नहीं। अच्छा नहीं, प्रबंध अच्छा प्रबंध है। और मनसुख और नल के लिए कुर्सी खाली कर दी गई है और बैठा दिया गया है। अच्छा बात है, अपनी बेटी कश्मीरा को बुलाया जाए। और हाँ भामरों की तैयारी होने दो, भामरों की तैयारियां होने दो। ए महामंत्री कहिए, ऐसा करो क्या खबर भेजो और रावण भामर पर लड़के की। हाँ चोक छोरा फसोई जा रहा अभी आगे वहाँ अब हाल भामर पत्ते। बहन कहो बहन, बरात है क्या तू गाली गाय लियो? अरे बहन गाय लो गाली। हाँ गाय लियो। अरे काए कुआयो ल जाए ने पूरे साहू कालो के द्वार जमींदारों के द्वार। अरे गर्मी में अंगन लिपा दे तेरे गर्मी में, गर्मी में अंगन लिपा दे तेरे गर्मी में, अंगन लिपा दे तेरे गर्मी में। Let's
अच्छी अच्छी गावत है गंगई गंगई सुना बुआ वही सुना दे ले सुने अरे हनुमान खबर ले लौका को पकड़ा दे वे पकड़ा तो दुनिया को दिखा जाए हनुमान खबारे ले ओ लंका की बजरंगी खबारे ले ओ लंका की ए हनुमान बाबा ए बजरंगी एक काम कर दे वे ये कुर्ता धोती पहन के नहीं आ बैठो का है और जाके कमरे में जो लगता रख दे हुए टूट जाएगी टूट जाएगी तो फिर तू डो हनुमान बजरंगी लंका की अरे हनुमान बाबा
एक काम करते हुए कौन सा ये सवरे कैसे जी की आवाज सुनने का है इन्हें गाने में एक वो नगर का समाप्त धंधे हुए हनुमान खबर का कह रही है बेटा गारन में लगी रही जो भावरे ने टाइम आवा दे अरे हमबे ए तू रे का छोरा कितनी देर रहेगी बैठी बैठी छोरी सो परेशान हैगी अरे तो पहले गाड़ो मारो ए गाड़ो मारो आए मारो गाड़ो हां गाड़ो मारो ए रिंदा कर तू भावा डरवा जल्दी भावा डरवाऊं हां ला ले गाड़ी जोत दूं ए गांठे हां हां कह तो रही हूं गांठ जोत दे ए आया लल्लू लाली दोनों ने आया चलो री भावा डारो हां भावा डारो ठीक है बुआ डारो आया लल्लू लालियो जाए मारे के चारों ओर घूमो ठीक है बुआ अरे मेरी पहली भामारिया रे तो उतो बेटी बापई की अरे मेरी दूजी भामारिया रे कैसोई बेटी बापई की ठीक है ए राजमंत्री ओ जितना भी तुमसे दान दे दिया जाए उतना दे दो हमारी बेटी को मन करके बहुत अच्छा मैं छकड़ा नंबर बर्बाद हो चाहे तनो हाँ और हंसी खुशी से विदा करो बहुत अच्छा अरे बुआ अरे बेटा बुआ बुआ मुझे मिल ले तू जाती है आया याला मिल ले अरे मेरी बुआरी अरे बुआ अरे मैं कैसे करूंगी अरे बिटिया सब ऊपर वारो मेरा पार करेगा अरे बुआ अरे मैं कछु जानत ना उरी अरे बेटा इन बात न के कहूं इससे कूला ना होतई अरे बहन बुआ अब ललिए तू ज्यादा रुला रही है तू और ज्यादा आएगी लला ले ए तो करियो कावा था मैंने कही बुआ जी के लिए नमस्कार नमस्ते लल्लू नमस्ते कावा था बुआ जी देखो ऐ तो मत करियो जबरदस्ती करो ना का धीरे 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 होले होले काम निकाल लियो छोरी अबई नादान है क्या काम है बुआ जी तूने ऐ तो मत करियो मत जा तक हाथम पकड़ा दे कहा जागी को हटेलो खामोश बुआ जी हां हमारे यहां पिस्ता नहीं है तुम्हारी अनाज पे छतुई चक्की पिस गया वत है देखो ऐ तो मत करियो म्याने पतरी और तलवार मोटी पोदे तो फट जाए अरे नहीं बुआ ऐसा नहीं करेंगे अबे लाली हमारी नादान है रह जा बेटी रह जा बुआ मत ए ओए चलन दे अरे जा बेटी चल तो बिदा कर दूं लाली
ओरी बिटिया लाचल तो बेदवा कर दू चलो बहन। अब तो बहन तुम्हारे मन कैसी हो गई? देवर साहब, दादी साहब, महाराज कहिए। देखिए हंसी खुशी से और जैसा मैंने कॉल किया था तैसा कश्मीरा के साथ में देवर का विवाह हो गया और खूब दहेज में दिया है। अब चलो घोड़ा को बनाओ और कश्मीरा को ले चलो। चलो चलते हैं। चलो भाई का अरे चलो अरे धर गए ग्वादिना अरे देश सही का सेनाती जाती हैं। भाई साहब ऐसा है दो दिन तो यहाँ रहो ही रहो। नहीं नहीं रहने लायक टाइम नहीं है। अब तुम हंसी खुशी से और रहना है। बहुत अच्छी बात है भाभी साहब। बादी महारानी तुम्हें मालूम है आज हमारी कौन सी रात है? आपकी हाँ कौन सी रात है? आज हमारी है स्वाग रात। फिर क्या है रबड़ी खाओ गबड़ी मचा। आज हमारी स्वाग रात है पीतम प्यारो आवेगो अर निकले दिल अरमान आन मोए भर कोली से पटा देगो अर सुन मेरे मन की मेली अर पलन को कर तैयार सहेली अर आज तरियन के ऊपर मेरा पलका झोंका खा देगो हमारा प्रोग्राम अंशुक का विवाह यही समाप्त होता है। बोले चल छत्र द्रगे की। राहुल कैसे जिवाई जिला बुलंदशहर के सौजन्य से पेश है एक बार फिर गायक प्रकाश की आवाज में धार्मिक प्रोग्राम कृष्ण जन। रिकॉर्डिस्ट हैं मिस्टर योगेंद्र कुमार गुप्ता जी। आज प्रेमी श्रोताओं कृष्ण की याद में देवकी रोती है और क्या कहती है सुनिए। पंछी होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार उमड़ उमड़ मेरो जिया आवे बहे दूध की धार लाल मेरो रोवत होए गो के भूखो सोवत होए गो लाल मेरो रोवत होए गो के भूखो सोवत होए गो पंछी होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार उमड़ उमड़ मेरो जिया आवे बहे दूध की धार लाल मेरो रोवत हो